इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ग्रांटिंग आईपीआर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे इन डिटेल विद नोट्स। यानी आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जो क्रिएटर है, जो इन्वेंटर है, उसे एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई देयर इज नीड टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उनके रिगार्ड में एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करना, जिसे हम आईपीआर कहते हैं, तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? चलिए समझते हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड ग्रांटिंग आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू क्रिएटर ओवर हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। राइट, देखो सबसे पहला कह रहा है टू एनहेंस द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ, टू एनहेंस द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप को इंगेज किए हुए हैं इन इनोवेटिव वर्क्स, तो अगर हम उनके क्रिएशन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड करते हैं और अगर हम उनके क्रिएशन को सिक्योर करते हैं तो ये उन्हें एनकरेज करेगा, वो मोटिवेटेड होंगे फुल डेडिकेशन के साथ, फुल एंथुसियाज्म के साथ वो क्या करेंगे, अपने उस इनोवेटिव वर्क को करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इन्हेंस होगा। तो पहला ये, दूसरा टू गिव रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट। टू गिव रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द एफर्ट्स इन्वेंटर्स ने, क्रिएटर ने अपना एफर्ट्स लगाकर, टाइम लगाकर, मनी लगाकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए है, तो उन्हें रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करना ताकि उनके इनोवेशन के बीच फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ सके। तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ग्रांटिंग आईपीआर। तीसरा, टू हैव रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट लगा के क्रिएटर ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार किया है उसके ऊपर उसे एक रीजनेबल रिटर्न प्रोवाइड करना इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ग्रांटिंग आईपीआर। फोर्थ वन इज टू फास्टेन द टेक्नोलॉजी। पांचवा, लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट्स टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट्स। आईपीआर बेसिकली जो भी इन्वेंटर है उसके क्रिएटिविटी को सिक्योर करता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम,
जिसके बाद जो इन्वेंशन है वो पब्लिक डोमेन में फॉल कर जाता है, तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और वो टाइम जब बीत जाएगा तो जो प्रॉपर्टी है इट विल फॉल इन पब्लिक डोमेन, जिससे क्या होगा, सोशल बेनिफिट्स होगा। तो टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट्स, तो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ग्रांटिंग आईपीआर। ठीक है, चलो अब हम व्हाट आर द वेरियस लेजिस्लेशन रिगार्डिंग आईपीआर, आईपीआर को लेकर के इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं उन्हें हम समझ लेते हैं इन ब्रीफ। आगे चल के इन्हीं लॉज को, इन्हीं एक्ट को हम डिटेल में समझने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ आईपीआर, सबसे पहला जो लॉ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर के, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में राइट्स को लेकर के, तो द फर्स्ट लॉ ऑन आईपीआर वाज ऑन पेटेंट, पेटेंट के ऊपर था, जो कि पास किया गया वेनिस में 1474 में। और ये जो पेटेंट प्रोवाइड किया गया था, ये बेसिकली आर्टिशंस को प्रोवाइड किया गया था फॉर देयर इन्वेंशंस, और ये पेटेंट उन्हें मोनोपोली राइट्स प्रोवाइड करता था रिगार्डिंग देयर इन्वेंशंस, राइट। तो द फर्स्ट लॉ, द फर्स्ट लॉ ऑन आईपीआर वाज ऑन पेटेंट, which was passed in Venice in 1474, which gave monopoly, rights to artisans regarding their inventions। अब चलिए हम बात करते हैं क्या क्या वेरियस लेजिस्लेशन है कवरिंग आईपीआर इन इंडिया। सबसे पहला हमारा पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है उसे हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं। फिलहाल हम जो भी वेरियस लॉज हैं रिगार्डिंग आईपीआर, जो भी एक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे इन शॉर्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है पेटेंट एक्ट 1970। इस एक्ट को अमेंड किया गया 1999 में, 2000 में, और अगेन इसे अमेंड किया गया 2002 में। तो ये जो पेटेंट एक्ट 1970 है, इसमें जब इन सभी ईयर्स में अमेंड किया गया, अमेंडमेंट्स किए गए, तो फाइनली हमें पेटेंट एक्ट 1970 आफ्टर ऑल दीज अमेंडमेंट हमें मिलता है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 20 मई 2003, ठीक है। तो ये है पेटेंट एक्ट 1970, जिसमें अमेंडमेंट होता है 1999 में, 2000 में, 2002 में, और एक फाइनल शेप इसे मिलता है 20 मई 2003 को। लेकिन एक्ट कब का है, एक्ट है 1970 का। दूसरा है हमारे पास डिजाइन एक्ट 2000, इस नए डिजाइन एक्ट 2000 ने डिजाइन एक्ट 1911 को सुपरसेड किया था। यानी इससे पहले हमारे पास डिजाइन एक्ट 1911 वाला था, ओल्ड एक्ट। फिर हमारे पास है ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जिसने
प्रीवियसली ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 को सुपरसेड किया। तो आज हमारे पास जो ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 वाला, इसके पहले हमारे पास ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 था, और लास्ट में हमारे पास है कॉपीराइट एक्ट 1957। देखो और भी वेरियस लॉज हैं रिगार्डिंग आईपीआर, लेकिन हमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और हाँ मेनली इन्हीं तीनों एक्ट के बारे में बात करना है। लास्ट में आपका है कॉपीराइट 1957, कॉपीराइट 1957। तो अब अपने कल के वीडियो में हम पेटेंट क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे विथ नोट्स। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।